आज की मुरली का वीडियो देखा किसी ने? November 4, 2001 हाफ मुरली सुनी थी भाई जी, देख नहीं पाए थे, हाफ सुना था। बहुत ही कमाल की मुरली थी, बहुत ही जबरदस्त देखने वाली मुरली है। तो आज एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। आज की मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। तो इसमें काफी सारी बातें हैं। इस बात पे आते हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं।
कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसीलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? फिर अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात पे मनन चिंतन करेंगे कि हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी हद की बातें जिनमें अभी हमारा समय और एनर्जी जाता है। दृढ़ संकल्प किस बारे में? अपने बारे में, अपने रोल के बारे में, अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग के बारे में, या फिर जो लोग साथ में हैं उनके बारे में। ओम शांति। एक चीज और भी नोटिस की और उसको ठीक भी करने की कोशिश की है, लाइक जैसे कोई संकल्प आता है कुछ काम करने का, कोई भी करना है काम, उसको नहीं करते हैं तो वो जो है तो पॉजिटिव पर वो भी व्यर्थ में बदल जाता है, तो उसका बहुत बोझा होता है। तो ये भी चेकिंग की बात है, पर इस पर अब अच्छी बात ये लगती है कि अब इस पर धीरे धीरे काबू आ रहा है कि अगर संकल्प किया है, आया है संकल्प, बाबा ने कराया तो उसको पूरा करना है, पर ये पॉजिटिव भी नेगेटिव में बदल जाता है। ये काफी गहरा पॉइंट है। हाँ जी, कविता। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा ने आगे बोला हुआ है कि हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि हम चल रहे हैं, यानी ब्राह्मण जीवन की जो रूटीन हमें मिली हुई है हम वो फॉलो कर तो रहे हैं। अब इतना थोड़ा बहुत तो चलता ही है कि थोड़ी गपशप कर ली, कहने को हम उसको कहते हैं कि हम ज्ञान की चिटचैट कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, उससे हम कुछ सीखते नहीं है। टाइम पास के लिए हमने बस बातें कर ली कि वो ब्राह्मण ऐसे, वो ऐसे, इस तरह की बातें, या थोड़ा हमने मर्यादाओं को ढीला कर दिया, कहीं पे थोड़ा खा लिया, इतना तो चलता ही है, हम तो प्रवृत्ति वाले हैं ना, किसी को गुस्सा कर दिया थोड़ा, जो भी बाबा ने हमको धारणाएं बताई हैं, किसी को थोड़ा कुछ रॉब में या कुछ ऐसा बोल दिया, फिर हम बोलते हैं कि नहीं इतना तो करना पड़ता है। तो बाबा ने ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि ये चलता नहीं है, ये जमा होता जाता है, दुगुना, तिगुना, 100 गुना, चलता नहीं है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा ना, फिर धर्मराज के पार्ट में जब बाबा मिलेंगे तो क्या कहेंगे, तब ये नहीं हम कह सकते कि ये छोटी छोटी बातें, स्वभाव, संस्कार, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें, हम यही बोलते हैं ना, इनसे कुछ नहीं होता, हम तो इतना महान जीवन जी रहे हैं, इतनी छोटी छोटी बातें तो एडजस्ट हो जाती हैं। तो हर एक की अपनी पर्सनल होती है वो छोटी बातें, सबकी लाइफ की अकॉर्डिंग होती है, पर ध्यान हर एक को फिर खुद ही रखना पड़ता है कि कैसी वृत्ति है, किस तरह की दृष्टि है, कि अगर उसके अंदर चलो मान लो हम पवित्र हैं और, लेकिन हर एक को हम आत्मिक भाव से नहीं देख रहे हैं, देह भान से देख रहे हैं, तो ये भी बाबा ने बोला कि सूक्ष्म विकर्म है। उसी तरह हमारी वृत्ति, अगर हम बहुत ज्यादा व्यर्थ नहीं भी सोच रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा ना कि शुभ भावना कितनी है, समर्थ कितना सोच रहे हैं, अगर वो नहीं है तो भी हमारा माइनस के खाते में जा ही रहा है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रिजल्ट क्रिएट होते हैं। ओम शांति। जैसे भावन ने कहा कि हद की दृष्टि, वृत्ति और कृति, वो समटाइम्स वैसे नेगेटिव नहीं है, हो सकता है दुनिया वालों के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा हो, बल्कि वो डिजायरेबल भी हो, लेकिन समय के अनुसार और हमारे रोल के अकॉर्डिंग वो हद की बातें हमारे साथ चलेंगी नहीं अभी, तो उस तरह की बातें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
या फिर हम कहें कि जो हमारी पूरी ब्रह्मांड या जीवन की यात्रा है वो हद से बेहद की तरफ जाने की है, तो ये जर्नी किस तरह की है, इसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे पहले हम हद में थे और कैसे हम बेहद में जा रहे हैं और स्टिल अभी हम हद में कहाँ कहाँ पर हैं। ये जो बाबा ने आज कहा कि सच्चे दिल पर साहब राजी है तो हर कर्म में सत्यवादी बनो, सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त तो होगा, अर्थात राज को समझ करके करने समझ करने वाले राज अगर नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन होगा, अर्थात चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त है और उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने सब संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए न औरों को नाराज करे। तो जैसे संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि इसकी अलग अलग निशानियां है कि सच्चे बाप को राजी किया, सच्चे साहब सच्ची दिल पर साहब राजी है, तो यही निशानी है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। बार बार हमें अपने दिल से पूछना होगा कि हमारी दिल सच्ची है और हम जो कर रहे हैं उस पर बाबा राजी है क्या। तो इस हिसाब से हम या इसमें सब आ गया है कि संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क, तो ये बेहद में ले जा सकते हैं। जी ओम शांति। हाँ जी जी भाई जी प्लीज आप। बाबा जब पूछ रहे थे डबल विदेशी बच्चों से कि बाप को राजी किया है, तो बड़े प्यारे होते हैं विदेशी बच्चे, बोले तुमने कहा हाँ, तो बाबा ने पूछा फिर कितने परसेंटेज में किया है, तो सभी हंस रहे थे लेकिन वो काफी 99। तो कई बार ह्यूमर में वो बात आती है लेकिन बड़ी डीप बात होती है कि कितने परसेंट में बाबा को राजी किया है। और बाबा का रूप एकदम ही, मतलब आपको इतनी खुशी होगी वो देख के क्या नजारा है जो हम देख रहे हैं। तो वो तभी 9/11 का वो जो हादसा हुआ था टेररिज्म का, उसके बाद की ये मुरली है, तो इस हिसाब से बाबा बात कर रहे थे विदेशियों से कि फिर कोई तकलीफ हुई क्या, तो सच्चे दिल से कहते हैं उसमें से एक कि हमारा प्लेन नहीं आया, तो बाबा ने कहा फिर पहुंच तो गए ना लेकिन सही सलामत। तो ये भी कितनी बाबा के साथ ऐसे प्यार से चिटचट करते हैं सभी बच्चे। ये मुरली जरूर देखनी चाहिए, जैसे कि कई भाई बहनों का ये अनुभव होता है कभी कभी कि कई बार ऐसे भाई बहन कहते हैं कि अभी तो मुरली देखना थोड़ा सा कई बार बोरिंग लगता है अगर वो पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हैं तो क्योंकि वो इतना स्लो स्पीड में पहले होती थी, लेकिन अगर आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है टुवर्ड्स अवित मुरली वीडियोस, तो दिस मुरली इज फॉर दैट डेफिनेटली। एक अलग ही प्रकार का सुख है, एकदम हाई इम्पैक्ट है इसका। हाँ जी सोनिया बेन आप कुछ कह रहे हैं। जी भाई जी दो बातें इसके ऊपर ऐड होगी। पहली बात ये हम कह रहे थे कि पीछे हमने शिवानी बहन का हमने सोल रिफ्लेक्शन का सीरीज देखा जिसमें कि हम 54 सेशन उसके पहुंच गए हैं सीरियल पे, तो उसमें हमें एक बहुत सुंदर बात समझ आई एट द एंड ऑफ दिस, जो हम 3-4 सेशन में ही ये बात चली एपिसोड में कि जो संबंधों संपर्कों की बात आ रही है जो अभी सिस्टर शेयर कर रहे थे, उसमें ये था कि हम जिसको जैसा देखते हैं वैसा उसको ट्रीट करते हैं और वैसा ही वो बन जाता है। तो सुनते भी रहे हम, समझते भी रहे इन चीजों को, पर अब ये बात अंदर तक जाती है और उस पर काम हो जाता है। तो जैसे बाबा ने संकल्प
जैसे बाबा ने संबंध संपर्क किया और सामने वाले को बोला कि अपने लिए भी दिल शिकस्त नहीं होना और सामने वाले के लिए नहीं होना, तो अब अपनी एक एक थॉट पे नजर जाती है और मुख से भी बोल नहीं निकलते, तो ये बहुत सुंदर परिवर्तन आया अपने अंदर ये सोल रिफ्लेक्शन का देखते हुए। दूसरी जो अभी ये सिस्टर शेयर कर रहे थे ना 9/11 वाला, तो हमने एक राम भाई जी है, आगे नहीं पता राम सिंह जी है, तो वो बाबा की सेवाएं वहां कर रहे हैं, तो वो उस एक टावर में उसमें थे, वो प्रैक्टिकली थे, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। उसमें उनसे पूछा गया, जब हम शॉर्ट में बता रहे हैं, कि आप क्या डरे नहीं उसमें, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं डरा नहीं, मुझे डरने का समय नहीं था, क्योंकि मैं सेवा में मैं उनको आगे, उन्होंने फिर अपना पूरा बताया कि कैसे उन्होंने आगे भाइयों को कर दिया था, क्योंकि वो 68 फ्लोर से वो नीचे आ रहे थे जब ऊपर के टावर को हिट किया प्लेन ने, तो उन्होंने बताया कि मैं बाद में मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मैं क्यों नहीं डरा, क्योंकि ऐसे वाली जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम जब सेवा का भाव आगे होता है तो हमारे अंदर डर नहीं होता। तो बाई चांस आज वो मुरली भी आ गई और इस प्रकार से सुना तो बहुत हिम्मत मिली, और सेवा कहाँ कैसे आपको इंटरनली चेंज करती है और किस तरह से आपको भय से दूर करती है, वो उस अनुभव ने हमें बहुत मतलब अच्छा अनुभव कराया। थैंक यू। बिल्कुल। तो बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति कैसे हमारी बनती जा रही है, उसका क्या एक्सपीरियंस? आज एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, जाने इस पर सेट होता है या नहीं, पर शेयर करते हैं कि अभी हम फोकस पर कोचिंग के थ्रू हम अपने आप का फोकस बढ़ा रहे हैं। एक मिनट प्लीज, मैं थोड़ा सा वॉइस है, मैं इसको ठीक करती हूँ, आप कोई शेयर करें। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसकी मुरली में इम्पोर्टेंट? जी, बाबा ने अपना रोल बताया है ऐसे समय में क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बॉम्ब्स भी चल रहे है, तो चलने दो, लड़ाई तो चल ही रही है ना, तो सुनते रहो। मतलब उस समय भी बाबा कितने प्यार से समझा रहे कि सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहम दिल मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही जरूर है। इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति हर रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो, चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ, तो बाप कैसे देंगे, आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो, कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा ही देते हैं ना। तो ये बाबा ने एक जो विराट रूप का भी बात की कि आपका कौन सा यादगार है, विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का ही चित्र है ना। तो ये जो राज की बात बताई बाबा ने कि विराट रूप का यादगार हमारा ही है और हम सब बाबा के राइट हैंड है, तो बाबा कहते बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंचली तो दिलाएंगे ना, विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे सेंटर पर बैठे, तो बाबा ने सभी को इमर्ज किया, तो रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। बिल्कुल।
तो ये जो बाबा ने ऐसे समय में हम बच्चों का क्या रोल है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति, ये बात, ये और एक जैसे कि आप बाबा ने कहा था कि सभी बच्चे हमारे सामने हैं, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। तो बाबा कहते आपकी साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूर दृष्टि दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। ये भी एक इशारा दिया बाबा ने कि आने वाले समय में ये साधन कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दूर दृष्टि दूरादेशी दृष्टि को हमें और भी, ये जो बाबा ने कहा टचिंग पावर और कैचिंग पावर के लिए, और भी उसके ऊपर काम करना होगा। जी जी भाई जी, हम ये शेयर कर रहे थे कि आज हमारे सामने एक बहुत सुंदर हमने अनुभव किया, बेहद की तरफ हमारी जो वृत्ति जा रही है। तो एक फोकस कोचिंग के अंदर ही, लाइक हमने जो फोकस कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है उसके अंदर हमने अपनी थॉट्स को हम यू नो फोकस्ड कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ फोकस्ड हो जाए। और वो दिवाली का टाइम है तो हमें एक यू नो सोचने के लिए देखिए कि लाइट कैसे हैं, हम सोल्स लाइट के थ्रू हम फोकस हो रहे हैं। तो आज सबने अपने अपने थॉट्स को शेयर किया, तो जब सबने अपने थॉट्स को शेयर किया हमने धीरे धीरे उन सबकी थॉट्स को समझा एंड उसको अपने ऊपर लाने की कोशिश की। तो ऐसा मन किया कि हम अपने अपने तक ही क्यों रह जाए, क्यों नहीं सबकी थॉट को कंपाइल कर दे। फिर हमने सबकी थॉट को कंपाइल करके एक उसका ऑडियो बनाया एक मेडिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम कर रहे थे और करने के बाद जब हमने सबको एज ए गिफ्ट दिया उसको कि ये हमारी तरफ से आप ही की थॉट्स हैं, हमने कंपाइल बाबा ने हमें थॉट दिया किया, तो हमें दो इसमें थॉट्स आई। एक तो हमें थॉट आई कि हमें कुछ पॉजिटिव करना है, वेस्ट नहीं जाने दिया, तो उसको बहुत सुंदर थॉट थी कि बाबा चलो हम आज कर पाए और उसको फर्स्ट वेस्ट नहीं जाने दिया, एक बेहद की तरफ कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब फिर उसको सुनेंगे तो सबकी थॉट कंपाइल हो गई है तो अब कुछ मिस नहीं होगा। तो जो भी 10 हम यू नो ग्रुप है उसमें हम जब इकट्ठे सुनेंगे एक ही बार में सुनेंगे तो मिस नहीं होगा और हम उसको एक दूसरे की थॉट को लॉजिकली हम शेयर भी कर पा रहे हैं और उसको यू नो अप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे लगा कि वृत्ति अब बेहद की तरफ जा रही है कि सब मिलकर हम शेयरिंग करें और एप्लीकेशन करें उसकी और फोकस करें लाइफ को, ऐसा अनुभव रहा आज। थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी दृष्टि वृत्ति बेहद की होती है तो हमारी एक्शन ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, वी थिंक फॉर लार्जर बेनिफिट लार्जर यूटिलिटी, जो भी हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, उससे क्या होगा। अदरवाइज बाबा ने भी कई मॉड्यूल में बताया है कि ये ऑडिट करो कि आपका किस ओर ज़्यादा जाता है टाइम, लौकिक में या अलौकिक में। बाबा ने कहा कि अगर 51% भी अलौकिक में है तब भी ठीक है, मतलब ये बहुत पहले कहा होगा, लेकिन उससे कम अगर हो जाएगा तो फिर बाबा को एक्सेप्ट टेबल दिया। तो ऐसे बहुत सारे बाबा ने हमें बातें बताई हैं कि बेहद की दृष्टि वृत्ति जो होती है वो सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होती, वो पालना के ओरिएंटेड होती है कि व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जो शेयर किया एग्जांपल उस तरह का था। हाँ जी, कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं? आज ये लाइन भी बहुत सुंदर लगी जो बाबा ने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप सब मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। तो बहुत ही स्वीट लाइन थी जी, बहुत ही प्यार भरा, एकदम मन को छू गई। बिल्कुल, सिर्फ ये लाइन भी हम पकड़ लें पूरी मुरली से और ये सुन लें तो ही हम प्यार के सागर में खो जाएं। जी बहुत अच्छा लगा सुन के कि बाबा भी भाग भाग के आए हैं। और एक जो अगली बात बाबा ने बोली ना कि आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा,
सहज मिलेगा। तो मैंने फटाफट नोट डाउन कर लिया अपना वरदान बुक में कि मुझे क्या चाहिए। फिर दूसरा, जैसे बाबा ने बोला ना कि इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तो इसकी भी पूरा दिन प्रैक्टिस की। फिर जैसे अगली लाइन बोली, दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि हो जाता है ऐसा, हम इतनी बड़ी एक लक्ष्य लेके चलते हैं, उसमें आधी चीज़ें कभी होती हैं कभी नहीं होती है, तो लगता है कि हो पाएगा हमसे ये। तो बहुत अच्छा, बाबा ना इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं, लगता है नहीं भगवान ने वरदान दिया हुआ है मुझे, मतलब वही सूक्ष्म में है, उसको स्थूल में लेकर आना है। तो ये बहुत अच्छा था। आगे जैसे बाबा ने इसकी विधि भी बताई ना कि वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे बाप बिंदी को नैनों में सदा समा कर रखना। फिर पूछ रहे हैं बाबा, समा लिया, फिट हो गया? तो ये लाइन भी बहुत स्वीट लगी, बाबा पूछ रहे हैं अपने आप को कि मैं फिट हो गया हूँ आपके नैनों में, निकल तो नहीं जाएगा? फिर बाबा ने जैसे बोला एक बहुत अच्छी बात कि अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी भी तरफ नैन आकर्षित नहीं होंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। फिर आगे जो बाबा ने बोला ना, जो नैनों में है तो दिल में भी समाया हुआ होगा, और दिल में समाने की विधि बाप दादा साहिब को राजी करना, जिसके लिए आगे बोला कि सच्चे दिल पे साहिब राजी। और ये जो बाबा ने सत्यवादी बोला ना कि हर कर्म में सत्यवादी बनना, बाबा की तो हर चीज की डेफिनेशन ही अलग होती है। सत्यवादी भी कोई ये नहीं कि खाली हमने बस सच बोल दिया, आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसके साथ तो गुण है, तो बाबा के अनुसार उनके अकॉर्डिंग अगर हमारा व्यवहार है तो ना तो हम किसी और से नाराज होंगे ना अपने आप से, क्योंकि हम ड्रामा, इसमें पूरा ज्ञान भी आ जाता है कि हम कर्मा थ्योरी को भी जानते हैं, ड्रामा के चक्र का भी हमें पता है, अपने पार्ट को भी जानेंगे तो अपने आप से स्वस्थिति से भी हम संतुष्ट रह पाएंगे, और दूसरों से तो नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हर आत्मा अपने पार्ट को परफेक्टली प्ले कर रही है। तो बहुत सुंदर ये पैराग्राफ लगा। भवन ने इसमें ये भी पूछा कि जो कि प्रैक्टिकल यूज का सब्जेक्ट है, कि कोई भी बात जब दिन में आ जाती है तो उसे बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये विधि भी बाबा ने कहा है, सेवा की विधि, तो ये बात भी अंडरलाइन करने की है कि सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक हो और बनाओ, यह स्थान है यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे, तो इस वर्ष बाप दादा विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं, इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। अनुभूति का कोर्स विशेष अंडरलाइन कर रहा है बाबा ने, और ये जो ज्ञान को बाबा ने लाइट माइट कहा, तो खजानों के बारे में बाबा बोलते कि चेक करो जो भी खजाने हैं तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, संकल्प समय ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए, ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो, नॉलेज लाइट है माइट है कहते हो ना, तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में बोल में कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि संकल्प का खजाना सफल होगा तो ऑटोमेटिकली समय भी सफल होगा। इसमें जो और थोड़ा बैकग्राउंड है हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है जी। और संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है,
कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब, ये इम्पोर्टेंट है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब, फिर तो समय मिलना नहीं है। तो जब हमारी कमाई निरंतर होती रहती है तो वो फीलिंग कैसी होती, क्या एक्सपीरियंस है उसका? शांति, आज इसका जैसे फेस्टिवल डेज थे 3-4 डेज पहले हम देखे ना फेस्टिवल डेज को, तो दो तरह से कार्य करती है चीजें अभी ज्ञान में आकर और कार्य कर रही हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई फेस्टिवल डेज होते थे ना, उसके साथ इमोशंस जुड़े होते थे, तो वो अपने आप पॉपअप होते थे, चाहे वो किसी भी चीजों को लेकर हो। तो अब वो पॉपअप नहीं होते हैं, हम ये सब जानते हैं कि किस तरह से लाइक गिफ्टिंग का भी होता था, बहुत छोटी सी बात है पर वो भी पॉपअप होता था, क्या दिया, किसने दिया, अब वो उससे तो बहुत परे हो गए हम लोग। सेकेंडली एक चीज हुई कि समय कैसे, समय वेस्ट चला जाता था, या कैसे हम लोग इधर गिफ्ट ज्यादा देते थे, हम लोग आते जाते थे। अभी क्या है कि बड़ा शांति से हम बैठे हैं। अगर पहले होता था कि नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, अभी बाबा ने युक्तियां लगाना सिखा दिया कि किस तरह से हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं घर में बैठ के। तो कोई बुरा ही नहीं मानता कि अगर युगल जा रहे हैं और मैं नहीं जा रही हूँ, तो हार्डली मेक्स डिफरेंस, क्योंकि मेरे अंदर स्थिति कैसी है वो वाइब्रेट कर रही है। तो मैंने देखा कि दिवाली तो मैंने भी मनाई, तो मैंने जो संकल्प आए उनको पूरा किया, उनको एक्शन में लाया। तो जब उनको पूरा किया तो फेस्टिवल का महत्व भी बदल गया। तो समय को कैसे यूज किया, अदरवाइज तो कितना वेस्ट चला जाता था यहाँ ट्रैवलिंग में और इधर उधर खुश करने के चक्कर में। तो ये खजाना जमा हुआ है, समय का खजाना, संकल्प का खजाना प्रैक्टिकल में महसूस किया इस फेस्टिवल डेज में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और क्या अनुभव है कमाई जमा होने का, कोई भी शेयर करे। हद की बातों का इतना असर आना ही बंद हो जाता है, और बहुत इजीली वो कहते हैं ना सहज योगी, हम वो बन जाते हैं। सब कुछ करते हुए बाबा के साथ का अनुभव होता है, क्योंकि जैसे बाबा कई बार बोलते हैं ना, बिंदी खिसक तो नहीं जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता कि सूक्ष्म में हमसे क्या चूक हो रही है। हम सारा कुछ करते हैं टाइम पे, योग में बैठते हैं, मुरली करना, सेवा करना, लेकिन फिर भी एक जो कनेक्टिविटी, एक जो फीलिंग होती है ना बाबा के साथ का अनुभव, वो हल्का हल्का धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है। तो वो तब सोच चलता है कि अरे वैसा वाला अनुभव क्यों नहीं हो रहा है आज। और जब हम बाबा के साथ रहते हैं, अच्छा योग लग रहा है, तो बाकी सारी बातों से ना सब कुछ होते हुए भी जैसे डिटैच होते हैं। सब कुछ जो कहते हैं ना, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, और हमेशा बाबा के साथ का बहुत डीप एक्सपीरियंस होता रहता है, यही अनुभव होता है। मुकेश भाई क्या कहेंगे आप? ओम शांति भाई जी। कमाई जमा करने का तो सबसे सहज मतलब प्रूफ यही है कि हम लोगों को खुशी बढ़ती जाती है, और वो खुशी का एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर ये दुनियाई खुशी जो है, जो अभी तक एक्सपीरियंस किया था, वो सारा भूल जाते हैं। सिर्फ इतना ही याद रहता है कि थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, मतलब और रुकता ही नहीं। पता नहीं ये मतलब ये वर्ड का मीनिंग भी मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, लेकिन डज नॉट स्टॉप, इस तरीके का होता है। और फिर पता चलता है कि ये तो माया का जो तूफान था, थोड़ा सा जैसे पंखा करने के लिए आया था, थोड़ा वो तूफान नहीं था, वो पंखा करने के लिए आया था, ऐसे फील होता है। और अभिषेक भाई आप क्या कहेंगे? ओम शांति भाई जी। वैसे तो ज्ञान में आने के बाद ही खुशी का प्रैक्टिकल और रियल मतलब पता चलता है। उसके पहले खुशी का डेफिनेशन कुछ अलग था, लौकिकता और वस्तु व्यक्ति और वैभव में हम लोग खुशी को तलाशते थे और उसी में थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर लेते थे, तो सोचते थे कि वही रियल खुशी है। लेकिन जैसा कि भाई जी ने कहा और बहनों ने भी कहा बतलाया, तो खुशी तो आंतरिक वो है, और जब हम बाबा के ज्ञान से जुड़ते हैं और ज्ञान को समझते हैं, जब हम अपने नजदीक आते हैं,
पहले हम लोग व्यक्ति वस्तु वैभव और इन सब चीजों के नजदीक रह करके खुशी को तलाशते थे, तो वो टेम्परेरी था। लेकिन अभी जब हम अपने नजदीक जैसे जैसे जा रहे हैं, माना ज्ञान की समझ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आफ्टर 7 डेज या 10 सालों में 5 सालों, नहीं, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही है ज्ञान के प्रति और हर एक संकल्पों के प्रति, तो वैसे वैसे खुशी हमारी बढ़ रही है। और खुशी कम हो रही है तो इसका जस्ट मीनिंग यही है कि हमारे संकल्प जो है वो समर्थ नहीं हो पा रहे, वो खुशी का कोई इजहार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते बाबा खुद ही अपने आप में, जब हम लोग बाबा कहते जब तुम परेशान हो जाओ या फिर वो समझ नहीं आए कुछ भी, तो तुम कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी। जब लास्ट टाइम में बाबा ने जाने का टाइम हुआ था 2017 में, जब बाबा लास्ट टाइम आए थे, या फिर उसके 1 साल पहले से मैं देख रहा था कि बाबा जो मुरलिया चल रही थी बाबा की, उसमें बाबा कहता था मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा बाबा बोलो मेरा, बस यही मुरलिया चल रही थी। तो इसमें जो खुशी है ना, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक भाई नया कोर्स किया है, वो मतलब क्लास में हम यहाँ पर पाठशाला में रहते हैं भाई जी, तो वो बंदा बोला, भाई बोला कि मैं माला फेर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि बस बाबा बाबा बाबा, वो मतलब भक्ति मार गए, और वो कह रहा है कि मेरे को कितना खुशी हो रहा है, खुशी भी हो रहा है, दूसरा मेरा जो नींद नहीं लगता था, तो डिप्रेशन वगैरह, तो वो भी जैसा लग रहा है वो दूर जा रहा है। तो वो तो ज्ञान को भी समझा भी नहीं है, अभी हम लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, और जैसे जैसे ज्ञान की समझ बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी खुशी भी बढ़ती जा रही है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, सुबह भी पूरा बाबू को याद करेंगे। Thank you.